क्योंकि रास्ते में गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के मालकान जो हैं वो इस वक्त कुछ पाक आर्मी के अंडर हैं और कुछ रेस्क्यू के अंडर हैं। पाक आर्मी के कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रहा था गाड़ियों के शीशे के ऊपर से बर्फ हटा के चेक कर रहे थे कि अंदर लोग जिंदा भी हैं या मर चुके हैं, और 6 से 7 अमवात अभी तक मैंने देखी जो मेरे सामने कुलडन्ना से लेकर ये तकरीबन मैं संधिया के पास पहुंचने वाला हूँ यहाँ तक 6 से 7 अमवात हो चुकी हैं, और अल्लाह ना करे मजीद हूँ लेकिन खदशात ज़रूर हैं। मैं पूछता हूँ आदिल भाई, वीडियो को तमाम दोस्त एक एक बार शेयर करेंगे जी, थोड़ा पीछे तो मशीन लगी हुई थी लेकिन मशीन का आगे आना नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि रोड बिल्कुल जाम की हुई है और रोड के दानू साइड पे गाड़ियां हैं, और मशीन को रास्ता मिलेगा तो वो रोड साफ करेगी, और गाड़ियों के मालकान इस वक्त आर्मी के अंडर और रेस्क्यू 112 के अंडर है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? खैरियत से? कहाँ से आए हैं आप? पिशावर से जी। पिशावर से हैं? अच्छा, तो कब यहाँ पे आप आए थे? दिन को 2 बजे। कल दिन को 2 बजे आए थे, ठीक है। और कहाँ तक गए हैं आगे? बस अयूबे तक गया, और अयूबे में पूरा नहीं पहुँच गया, उधर रास्ते बंद थे वापस किया, बस इधर आया, फिर इधर रास्ता बिल्कुल ब्लैक था। अच्छा, तो यहाँ पे कल रात से आप फंसे हुए हैं? कल रात से 2 बजे। किसी ने आपकी कोई हेल्प की है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोले। आर्मी वालों ने कोई हेल्प नहीं की? कुछ भी नहीं बोले, कोई आया नहीं। रेस्क्यू वालों ने कोई हेल्प नहीं? नहीं नहीं, अभी आर्मी वाले अभी आए। आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? मैं 5। 5 लेडीज भी थी? नहीं नहीं, आप लोग जेंट्स थे सारे? ठीक है, तो अभी खाने पीने का कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, इधर खा के पागा दलवार है पागा। चले इंशाल्लाह बेहतर होगा, मशीनें आ चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि रोड जल्दी खुलेगा जी, और अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे, और अमीन, आपको आपके बीवी बच्चों के पास अमीन, के, अमीन, और घर वालों के पास दोबारा लेके जाए, आमीन। शुक्रिया जी, ये देखें जी एक अंकल आ रहे, आई थिंक इनका बच्चा बीमार है। वीडियो को तमाम दोस्त एक एक बार करेंगे शेयर। ये कुलडन्ना का जंगल है और बुरी तरह से यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं बर्फबारी में, और अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अंकल थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी किसी ने कोई कल से हेल्प की है, वो क्या बता रहे थे कि कल 2 बजे से फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ से आए हैं आप? पिशावर से। पिशावर से कब आए थे? कल। कल कितने बजे तकरीबन? कल इधर 11 बजे फंसे हैं। कल 11 बजे के यहाँ पे फंसे हुए हो आप? 11 बजे, ठीक है। कितने लोग थे आप? 5। 5 लोग थे, और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं अभी तक? महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ने कोई आपकी हेल्प की है? हाँ, पाक आर्मी आए, पाक आर्मी के लोगों ने आपकी हेल्प की है, खाना प्रोवाइड किया है, पानी वगैरह?
पानी भी प्रोवाइड किया। रात आपने गाड़ी में गुजारी है? रात हमने गाड़ी में। चले जी, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे और उम्मीद करते हैं कि रोड अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में उम्मीद करते हैं खुल जाएगा। ठीक है, तो अपनी एहतियात कीजिए और अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। आमीन। वीडियो के एक एक दफा शेयर मार सो जी। ये आप देख सकते हैं मशीन यहाँ से कैसे गुजरेगी, कोई चांस ही नहीं है, मशीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है गुजरने का, रोड बिल्कुल ब्लॉक किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से, गाड़ी आर्मी ने बुलाया, उधर जा रहे हैं। नहीं, आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली हम तो खुद पिंडी से हैं। अच्छा। है मरी कहीं है, हम खुद वैसे ही शुगर में। अच्छा, अभी हम नीचे वाले रिश्तेदार। फंसे हुए तो नहीं थे आप बर्फ में? फंसे हुए थे। फंसे हुए थे, गाड़ी फंसी हुई थी। आए तो रात किधर गुजारी है आपने? गाड़ी में। आप अकेले थे मतलब? लेडीज तो नहीं थी? लेडीज, अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज, शुक्र है, हम नहीं रहते। चले चले भाई, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। आमीन आमीन। एक दफा फिर मैं आपको बताता चलूं कि 5 से 6 अमवाद मेरे सामने, मतलब जो मैंने डेड बॉडीज देखी हैं अभी तक, हो चुकी हैं। और उम्मीद करता हूं और अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूं कि मज़ीद ना हूं, लेकिन हथियार ज़्यादा हैं अमवाद के, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां फंसी हुई हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं। कैसे हैं सर? खरीद से। आप आर्मी से? जी जी। कैसे हैं? खरीद है। थोड़ा टाइम देंगे यार, आप खुद देख रहे हैं अभी टाइम की बात। चले, बहुत छोटे मासूम बच्चों के काफी। चले, ये पाक आर्मी के नौजवान इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाह रहा था लेकिन वो इस वक्त मसरूफ़ हैं, और गाड़ियों के शीशों से बर्फ़ हटा के ये चेक कर रहे हैं कि अंदर लोग ज़िंदा भी हैं या मर चुके हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, पाक आर्मी के लोग इस वक्त लोगों की भरपूर मदद करते हुए। सलाम है पाक आर्मी को। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीन के गुजरने के चांसेस बिल्कुल कम है, नामुमकिन है, क्योंकि दोनों साइड्स पे गाड़ी हैं और गाड़ियों के अंदर लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह बेहतर जानता है ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं अंदर, और पाक आर्मी के लोग यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं और गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, शीशे से बर्फ़, ग्लास से बर्फ़ हटा के लोगों को चेक कर रहे हैं आया वो ज़िंदा भी हैं या थोड़ी ठंड रुक गई है ना। नहीं, ठंड का मकसद ओस नहीं क्या? तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, और वीडियो को एक बार तमाम दोस्त शेयर करें। ये सास्ती पहन जो मैं आप उतर रहे हैं, इतना मंदा थोड़ा रास्ता रह गया कि कैंप लगा।
खान जी कैसे हैं? ठीक हो जी। खैरियत से? खैरियत है। कहाँ से आए हैं आप? हम नौशेरा से आए हैं। नौशेरा से जी। कब आए थे? परसों आए थे, दो दिन पहले आए थे। दो दिन पहले? हाँ, दो दिन पहले। और यहाँ पे बर्फबारी में कब से फंसे हुए हैं? रात से फंसे हुए हैं यहाँ। रात से? ठीक है। रात भी हमने गर्मी में गुजारी, अभी सांस नहीं आ रही इसलिए निकले हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, तो इस सिलसिले में रात भर आपने गाड़ी में ही रात गुजारी है? हाँ, रात गाड़ी में ही गुजारी है। ठीक है। वगैरह साथ थे लेकिन अभी गुजारा नहीं हो रहा। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सिलसिले में किसी ने आपकी हेल्प की है? जी, आर्मी वाले आए, खाना वाले हमें निकाले है सर, खाना दिया है, सब कुछ मौजूद है नीचे। उसने बोला आप आ जाए, अभी हम निकले गाड़ी से। अभी तक तो हमारा हौसला था कि गाड़ी रोड खुला हो जाएगा, निकल जाएगा इधर। और आपके तमाम दोस्त जो आपके साथ थे वो सारे महफूज हैं? जी, वो दो आगे हैं। अच्छा। पेट्रोल लेने के लिए गए थे लेकिन बस हमने उसे कह दिया कि आप वहीं रुके। कुछ लोगों की अम्बाद भी हुई है रात जी, कुछ लोग फोत भी हुए हैं रात को। बारह तेरह बंदे फोत हुए हैं। 12 से 13 बंदे फोत हुए, 17 बंदे। ये एक भाई बता रहे हैं कि 17 बंदे फोत हुए हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे। अल्लाह पाक रहम करे यार। चल शुक्रिया जी भाई। इस वक्त हम संध्या के करीब पहुंच चुके हैं और हालात बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने। तकरीबन 3 फुट के करीब बर्फबारी और यहाँ पे पाक आर्मी के लोग और रेस्क्यू 1122 के लोग यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हुए और अपनी मदद आपके तहत भी लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ सामान अपना इसी तरह छोड़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। गाड़ी पे वहाँ जाओ ना, वो लड़के भी आ रहे हैं, उससे लेंगे पैसे ना, वो पहनना उससे लेंगे ना। वीडियो को एक एक बार दोस्त शेयर करेंगे। सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं जी? ठीक। थोड़ा टाइम देंगे? नहीं। चल बर्फ है भाई, तकरीबन 3 फुट के करीब बर्फ है और मजीद हल्की हल्की बर्फ अभी हो रही है और बुरी तरह से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। रोड के दानू साइड पे गाड़ियाँ हैं, रोड ब्लॉक हो चुका है। बाकी अब पीछे कौन रहेगा? छोटा गाड़ी वो बस अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं। शुक्र जी। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से कब आए थे भाई? हम आए हैं कल के आए हुए हैं। अच्छा। कल 11 बजे के फंसे हैं रात के। अच्छा, अपनी गाड़ी थी या लोकल? अपनी गाड़ी पे हैं, लोकल होते तो वरना चले जाते। सही, तो गाड़ी इधर ही फंसी हुई है अभी? गाड़ी इधर फंसी हुई है। ठीक। और रात कैसे गुजारी है आप लोगों ने? रात ना पूछे हमने किस तरह मैनेज किया है। हमारे दोस्त ये गए हैं, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में। अच्छा। वो जाके लेके आए हैं माल रोड से। ठीक। तो आपको पता है रात 12 बजे कितनी तूफानी थी। हीटर वगैरह था गाड़ी? नहीं, गाड़ी में हमने हीटर नहीं चलाया इसी वजह से। चले और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल फील्ड से तल्लक है हमारा। अच्छा। बहुत सारी फैमिली जो हीटर चलाया था वो साल का शिकार हुई है। अच्छा। और आपके सामने कोई अम्बात हुई है रात को? नहीं, हमने हमारे सामने नहीं हुई लेकिन बता रहे हैं, हमने देखी नहीं। एक गाड़ी है पीछे, उसके ऊपर दरख्त गिरा है, वो चार दोस्त थे कह रहे हैं।
वो उनकी डेथ और किसी ने आपको रात को आपकी हेल्प की है, अप्रोच किया आपको? रात तो खैर जो इधर के मकीन वाले थे वो की उन्होंने, लेकिन अभी फौज आई है, उन्होंने काफी हमें जो है ना वो तसल्ली दी है। हम अब उनके कैंप में ही जा रहे हैं, जरा स्टे करते हैं, फिर देखते हैं अल्लाह ताला क्या। चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? आतिफ शहबाज। आतिफ शहबाज भाई कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से भाई कब आए थे आप? एक दिन, दो दिन पहले। दो दिन, और कब से बर्फबारी में फंसे हुए? कल 11 बजे। कल 11 बजे से अभी तक? पीछे से बर्फ बहुत थी, कल शाम को 7 बजे तो फंस गए थे। कहाँ तक आके गए हैं? यूपिया तक, नथिया गली, वहाँ से वापिस आए। हाँ। और कहाँ पे गाड़ी फंसी है, जगह का नाम पता है? जहाँ पे आप खड़े ना, यहाँ से कोई 2.5 किलोमीटर आ गए। अच्छा, मतलब इधर ही संधिया के आसपास की। इस जगह को संधिया बोलते हैं? संधिया, संधिया, संधिया जी। अच्छा, कितने लोग थे आप? चार। चार लोग थे। खैर करके से बच गए जी? अल्हम्दुलिल्लाह, चला के आगे गई जी। बात हुई है, डेथ, मैंने कुछ डेड बॉडीज देखी है। असल में तकरीबन रात को सोए ही नहीं हम लोग, जागते रहे हैं। ठीक ठीक। गाड़ी के आगे पीछे करते रहे हैं, कभी खोल दिया कभी बंद कर दी। सही किया, क्योंकि मैं पता ना ऑक्सीजन कम हो जाता है इधर जी। बिल्कुल, हीटर में बैठना अच्छा नहीं है। तो किसी ने आपकी हेल्प की, अप्रोच किया किसी ने? आर्मी आई है माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन पहुंची सुबह। चले, पहुंची है, देर आई दुरुस्त आई जी। हम पाकिस्तानी ये तो कह सकते हैं कि देर आई दुरुस्त आई, खाता थोड़ा खाता कोई बात नहीं। अच्छा, तो खाना वगैरह प्रोवाइड किया आर्मी ने? खाना तो ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं हुआ, वैसे वो पूछ रहे हैं अभी, तो यही देख रहे हैं कोई मसला मसाइल को मरा। आप लोग जेंट्स थे सारे या लेडीज भी थी? जेंट्स थे। चलो, लेडीज हमारी एक दिन दो दिन पहले चले गए थे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले निकल गए। हाँ। चले भाई, शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मैं इधर से लोकल हूँ मरी। अच्छा, शुक्रिया। ये जी पाक आर्मी के लोग यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हुए, और जैसे लोग बता रहे हैं, जू जू आगे जा रहे हैं लोग, ये बता रहे हैं कि हमें सुबह अप्रोच किया गया है, और सुबह आर्मी के लोग हमारे पास आए, और कुलडन्ना के नज़दीक तो रात को ही लोग बता रहे थे कि रात को लोग आए थे आर्मी के। अच्छा है, ब्लड प्रेशर की होगी गोली? मशीन बर्फ साफ करने वाली सनी बैंक में 3 से 4 मशीनें लगी हुई थी, और एक मशीन यहाँ पे कुलडन्ना के जंगल में लगी हुई है, और हालात बिल्कुल आपके सामने ही, आप देख सकते हैं कि रोड दानू साइड से जाम की हुई है। सो यहाँ से मशीन का आगे जाना मुश्किल सा काम है और नामुमकिन लगता है। ये इस गाड़ी के ऊपर मैं आपको बर्फ दिखाता हूँ, यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जी कितनी बर्फ है, ये आप देख सकते हैं। और गाड़ियों के अंदर लोग मौजूद हैं, फैमिलीज हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग खैरियत से होंगे। जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली है तो 17 लोग आज रात गाड़ियों में जिनकी डेथ हुई है, ये आर्मी का एक नौजवान था, उसने मुझे बताया, और 4 से 5 डेड बॉडीज को मैंने खुद देखी। पता
सर जी को देखा देखा था ना ये लोग गाड़ियां स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि मैं पिंडी से आ रहा हूं और बसरा गली तक गाड़ियां आ रही हैं। बसरा गली से आगे रोड सनी बैंक तक खुला ज़रूर है लेकिन गाड़ी नहीं चल सकती, वही गाड़ी चल सकती है जिसके पास चेन है टायर कवर करने वाले। और आगे सनी बैंक से आगे हालात बिल्कुल आपके सामने, ये गाड़ी है इसके ऊपर दरख्त गिरा हुआ है और बुरी तरह से यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलों को आसान करे। ये आप देख सकते हैं जी दरख्त गिरा है गाड़ी के ऊपर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गाड़ियाँ सामान सारा कुछ छोड़ निकल रहे हैं यहाँ से और रुक कर रहे हैं कुलडन्ना का आर्मी कैंप का, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे आर्मी मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रही है, खाना भी, और इसके साथ पानी चाय जो भी है वो आर्मी लोगों को मुहैया कर रही है। और कुलडन्ना के बिल्कुल नज़दीक मशीन ज़रूर रोड को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे आगे मशीन का आना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रोड जो है वो दानू तरफ से ब्लॉक किया हुआ है और जब तक एक साइड क्लियर नहीं होती तो रोड क्लियर नहीं होगा और मशीन आगे नहीं आ सकती। तमाम दोस्त एक एक बार वीडियो को करेंगे शेयर। ये आप देख सकते हैं जी, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ है, तकरीबन 3 फुट के करीब बर्फ है। और जो लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं मरी आने की, वो फिलहाल उनसे गुजारिश यही है कि आप मरी ना आए और अपने घरों में रहें और महफूज रहें। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से मशीन का गुजरना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि जब तक एक साइड क्लियर नहीं होगी तो मशीन आगे नहीं जा सकेगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? शुक्र जी ठीक है। शुक्र केड़ी जाई ने असो? अयुबिया ने जी जी। माशाल्लाह ते केला इधर आइसिया?
कल तेरी दो बजे ने फसे हुए थी यार था ले ना एक फुट भी ना ले ते बंदे नहीं मतलब ना लाए से या तुसा अपनी को गड्डी ना ना सवारी थी जीप आंदी थी नाल सवारी सी अच्छा सवारी सी सवारियां चली गई हां सवारियां चली गई जी अपने मुकाम ऊपर ते हम तुसा अपनी मतलब तैयारी करने एक सदर नहीं बस तैयारी करने हुन कुदरा अपनी जान बचा दे बाकी ते गड्डियां जिस तक रोक ते रात दी रोटी छोटी को ते खा दिया इथे बंदे ने कार चले गए रात दी कार की नहीं का असें बड़ी खिदमत की थी अच्छा हुन ग्रां ना बंदा ऐसा वाजा इथे जेड़े लोग से गड्डियां विच उनो ही क्या मतलब उन्होंने लोगों पूछा पालिया कि बहुत लोग थे जितने भी ग्राही लोग थे ना वो सारे मदरसे की नहीं गए छोटे बच्चे ही जितने थी उन्होंने इटा इंतजाम किया खाने पीने इंतजाम किया ने आगे की नहीं गए आर्मी ने आर्मी ने लोगों आर्मी ने भी इसने वो भी मदद करने आर्मी ने उन पहुंचे लेकिन सुबह आए थे ना राती ने तकरीबन कितने एक बंदे मरे हुए राती इस 17 बंदे नहीं थे खबर 17 बंदे नहीं थे 17 बंदे मरे हुए गड्डी में ओहो इन अल्लाह चलो जी चलो। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ हाँ। ये देख लें जी एक अंकल थे मैं इनसे अपनी ज़ुबान में बात कर रहा था वो बता रहे थे कि तकरीबन 17 लोग और इससे पहले भी कई लोग ये बता चुके हैं कि ऑलमोस्ट 17 लोग जो है वो रात को इस बर्फबारी में अपनी गाड़ियों में फोत हुए हैं एक दफा वीडियो को अगर कर दें शेयर तो लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाएगा कि आप लोग अगर मरी में आ रहे हैं तो मेहरबानी करें ना ही आए तो बेहतर है अपने घरों में रहें अपने बीवी बच्चों के साथ अपने माँ बाप के साथ महफूज रहें। पिंडी से रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है बसरा गली तक और अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप करिए ये अंकल हैं जी आप लोगों की यहाँ पे लगता है हेल्प कर रहे हैं मदद कर रहे हैं जी कहाँ से हैं आप लोकल यासों माशाल्लाह तो लोगों ने हेल्प करने हो मतलब खाने शाने देने उन्हें पानी वगैरह पानी को बिस्कुट जूस वगैरह माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या नाम सुनो ज़िया भाई हो जी दरिया गली ने में लोगों ने हेल्प करने ना ही त्रे चार बंदे भी है तो माशाल्लाह अल्लाह पाक सुन अजर दे जी चलो अल्लाह पाक से अजर दे बहुत शुक्रिया जी ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और मरी इससे पहले कुछ लोग मरी के अगेंस्ट वीडियोस बनाते थे और सोशल मीडिया पे के लोग अच्छे नहीं है इस तरह ये वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये साबित किया है कल से मरी के लोगों ने ये साबित किया है कि वो मेहमानों की नवाजी करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं और ज़िंदा दिलाने मरी सलाम पेश करते हैं जी आपको 930 लोग एक दफ़ा वीडियो को अगर कर दें जी शेयर तो काफ़ी लोगों तक ये मैसेज ये पैगाम पहुंच जाएगा कि रोड बिल्कुल बंद हैं आप अपने घरों में रहें महफूज रहें और मरी आने की ना कोशिश ना करें तो बेहतर है। हेलो हाँ भाई यहाँ पे एक न्यूज़ में देता चलूँ आपको कुछ लोग क्योंकि वीडियो में अभी मेरे साथ ऐड हो रहे हैं तो नीचे एक कमेंट भी पिन किया हुआ है तो न्यूज़ ये है कि रात बर्फबारी में अभी तक की जो न्यूज़ है वो 17 लोगों की अमवात हो चुकी है और मज़ीद अल्लाह ना करे कि अमवात हूँ लेकिन खदशात क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह से आप यहाँ से लोकल हैं नहीं नहीं मैं मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद जी जी तो आप घूमने के लिए आए थे नहीं नहीं मैं गाड़ी चलाता हूँ रेंट अच्छा तो सवारी थी आपके साथ कल पिक किया था उनको तो बस इधर आए फंस गए
अच्छा तो अभी वो लोग चले गए होंगे, चले गए। तो आपकी गाड़ी तक किधर फंसी हुई है? गाड़ी वही ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी मिल नहीं, गाड़ी मिल ही नहीं रही है। बर्फ में कहीं रात को आपने छोड़ के चले गए थे? नहीं नहीं, रात को गाड़ी में थे, सुबह उठ के गए सनी बैंक से जाके खाने पीने के लिए। अभी ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी मिल नहीं रही। चले अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे। और वो जो लोग आपके साथ थे वो सारे लोग सलामत? हाँ, चले गए सलामत। वो पिंडी के थे लोग, लड़के थे चारों। तो रात को किस तरह गुजारा किया आपने? बस कभी हीटर लगाते कभी बंद करते, कंबल एक था गाड़ी में। अच्छा, वो ऊपर रखा हुआ था। एक ही मतलब आप अकेले थे? नहीं नहीं, चारों हम, वो सुबह गए लड़के। अच्छा अच्छा, चले भाई, शुक्रिया जी भाई। बारह सौ लोग जुड़ चुके हैं जी हमारे साथ। एक एक दफ़ा काइंडली आप वीडियो को करेंगे शेयर, ताकि मज़ीद ये पैगाम लोगों तक पहुंच सके कि आप अपने घरों में ही रहें, पिंडी इस्लामाबाद। और आते हुए मेरे साथ कुछ लड़के आए हैं, वो लाहौर से आए, तो अगर कोई लाहौर से लोग देख रहे हैं, आपको भी पैगाम है कि अपने घरों में रहें, महफूज रहें, और मरी का रुख आगे अपना मस्जिद है, मस्जिद में बैठ जाएंगे, वहीं पर लगा हुआ है। एक एक डेढ़ किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? अल्लाह का एहसान। मेरे ख्याल से आप हाफिज साद हैं? जी जी। कैसे हैं? ठीक ठाक, मैंने आपको पहचाना नहीं हमारे से। चलें। हाँ जी, क्या ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ 1500 लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आप लोगों की तकरीबन यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। बस ये सबसे पहली बात है कि इंसानियत, जी इंसानियत की कदर होनी चाहिए। और एक इंसान को सामने के, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल, और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बाद, माशाल्लाह। बहरहाल बात यह है कि इंसान जो बच जाए, लोग मैंने सुना है रात को कि कुछ लोग, जी बिल्कुल 17 हम बात हुई है, यकीन करें मैं उसके बाद रो रहा हूँ। बस अपनी तरफ से जो मिलता है उसको यही कहता हूँ भाई, चले जो घर भी है और मस्जिद भी है, मस्जिद में भी हीटर लगा है, और हमारी जामिया उस्मानिया अलहमदिल्ला अल्लाह पाक मोहतरम उस्मान साहब को जय खैर अता फरमाई कि उन्होंने भी एक अच्छा बड़ी मस्जिद बनाई हुई है, हीटर भी लगा हुआ है। तो बच्चों को लेकर मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप चले जाएं मस्जिद में, या घर जाना चाहते हैं मेरे साथ, जो घर जाना, अभी भी दो तीन फैमिली हमारे घर में है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। और इसके साथ आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं? जी हाँ, मैं हमारे गाँव के तकरीबन अक्सर लोग हैं, भाई इमरान हैं और लोग भी हैं, सारे आए हुए हैं जी। बहुत सारे लोगों को मैंने इसी तरह कहा, यार आप निकले, लोगों को करीब में जो बाजार के करीब जो लोग थे उनको मस्जिद में भी ठहराया, घरों में ठहराया। तो वहाँ पे मस्जिद में आप लोग को खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं? खाना अभी तक तो नहीं किया वैसे, क्यों कहें सही। तो जिस जिस को मैंने कहा जरूरत हो बताई, वक्ती तौर पर कबाब वगैरह गर्म चीजें तो हमने पहुँचाई है, जो भी गुंजाइश हो सकती थी जिस जिस साथी को हमने कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सजाद भाई है, उन्होंने जी ये अभी जो आपके आगे गए, जो आगे गए हैं सजाद भाई, पता नहीं गालबन वही थे जी, वो पहले उन्होंने कैरी रखा हुआ था। ठीक ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लोग कर रहे हैं और इंसानियत को बचाएं। ये देखें इतने लोग फंसे हुए हैं, यकीन करें हम खुद अगर किसी दूसरे शहर में जाके इस तरह फंस जाएं बहुत मुश्किल। बड़े बड़े लोगों को अभी मैंने रोते हुए देखा है। तो बहरहाल चले, अल्लाह पाक सबके, शुक्रिया जी, जजाकल्ला हाफिज साद। ये क्रिकेट खेलते हैं जी, और बड़ी अच्छी काविश इनकी, आप गाड़ी को लॉक करें, और लोगों की यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे गाड़ी है, सॉरी मस्जिद है रत्ती गली के मुकाम पे। तो यहाँ पे लोगों से अपील करते हुए कि आपकी गाड़ी किधर भी नहीं जाएगी, आपका सामान भी इधर ही होगा, आप मेहरबानी करें और मस्जिद में चले जाएं। और बता रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ फैमिलीज मेरे घर में भी मौजूद हैं। असब तौफीक जो उसकी, जो मैं हेल्प कर सकता था वो मैं लोगों की कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, थोड़ा गिलास नीचे कर देंगे। क्या नाम है भाई का? नाजम नाम है मेरा। सही जी जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? और कहाँ से आए हैं मेरे प्यारे भाई? हम आए हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से कब आए थे भाई? हम तीसरा दिन है हमें। अच्छा, तो रात का तो रास्ते ब्लॉक हुए हुए हैं। ठीक, बीच में कुछ डेड बॉडी भी हुई हैं। सही, जो हुकूमत है ना, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जी बिल्कुल सही, असल जो बात हुकूमत के आगे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द जो वाम जलील हो रही है उनको रास्ते क्लियर करके दें। सही, वो वाम अपने घरों में पहुंचे। ठीक, और रात यहाँ पे गाड़ी में गुजारी है? गुजारी है। कितने लोग थे? हम 10-12 लोग थे, फैमिली थी साथ, लेडीज भी थी। लेडीज भी थी, फैमिली को हम कैंप पे छोड़ के आए, आर्मी कैंप में। तो हम दोनों इधर है, मतलब दो गाड़ियां साथ, एक गाड़ी है। ठीक, सारी हम छोड़ रहे हैं कैंप पे। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और
आपको ये मशवरा भी देता हूँ, सजेशन है मेरी कि आप भी यहाँ पे गाड़ी को अपनी लॉक करें, क्योंकि मैं आ रहा हूँ पिंडी से, ठीक है, आपको रास्ते जगह का मालूम नहीं है, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे आप जाएंगे बसरा गली आता है, ठीक है, तो बसरा गली में ना वहाँ पे मतलब वहाँ से आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, तो उससे यहाँ तक कोई चांसेस नहीं है गाड़ी जाने के, तो आप यहाँ पे वेट करना, रिस्क ले रहे हैं ये जो बीच में थोड़ी सी मशीन लगी हुई है, हम कहते हैं कि आगे ना जाएं गुलडना चौक तक तो हम चले जाएं, इसलिए गाड़ी में बैठे हैं कि फैमिली इधर छोड़ आए हैं, चलो कि गाड़ियां उधर लेके जा सके। नहीं, एक बात मतलब आप अपने जहन से थोड़ा सा काम लें और अपनी सेंस को अगर यूज करें तो गाड़ियां क्योंकि रोड के दोनों अतराफ में है, बिल्कुल ये बात आप ठीक है, तो मशीन यहाँ से कैसे आगे आएगी, कोई चांसेस हैं वहाँ जहाँ पे लास्ट टाइम अभी मशीन में पीछे देख के आया था वहाँ से मशीन के आगे आने के चांसेस बहुत कम है। मैं भी अभी बिल्कुल आपके साथ साथ आया हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने चीजें ठाई हुई थी, दो दफा आपसे रास्ता मैंने मांगा, मैं आया अभी, चलो उस वजह से बैठ गए कि थोड़ा सा शायद रास्ता मिल ही जाए, गाड़ियाँ ले जाए। इस वक्त आपको जी जी वो जल्द अज जल्द इमरान खान की हुकूमत से आप मुत्तफिक हैं? नहीं, मुतमईन है, बहुत तंग हैं, बहुत तंग हैं हम, बहुत तंग हैं इमरान खान की हुकूमत से, बहुत तंग हैं। इससे पहले भी मरी घूमने में के लिए आए हैं आप? काफी दफा आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम इससे पहले? ये पहली दफा हुई हमें प्रॉब्लम, तकरीबन हम साल में 3-4 दफा आते हैं। तो रात को खाने का क्या बंदोबस्त था? खाने का कुछ नहीं था, जो हमारा अपना था गाड़ी में, मतलब बिस्कुट वगैरह ये कुछ वही, अभी मैं चीजें लेके आया हूँ, अभी हम कुछ खा पी गए तो आराम करेंगे। चले, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये मशवरा देता हूँ, आप गाड़ी लॉक करें, ठीक है, यहाँ पे पीछे एक मस्जिद है दरिया गली, इस जगह का रत्ती गली नाम है, हीटर लगा हुआ है वहाँ पे, आपको जो लोकल लोग हैं वो आपको कहवा चाय वगैरह जो भी है उनके मतलब हसब तौफीक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे गाड़ी में वेट करना ये सरासर बेवकूफ़ी होगी, अपने साथ ज्यादती भी है। चले, ठीक है, ठीक है, जजाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ये देखे जी, एक दरख्त यहाँ पे गाड़ी के ऊपर गिरा हुआ है, ये मनाजिर बिल्कुल आपके सामने है, रोड के दानों अतराफ में गाड़ियां हैं और मशीन का यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है। और एक भाई यहाँ के लोकल, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा आपके साथ, यकीन माने उनको देख के मतलब उनकी आंखों से आंसू जारी थे, जिस तरह से वो खिदमत खाल कर रहे थे और अवाम उन्नास के लिए उनके आंखों से आंसू निकल गए, बर्दाश्त बाहर से रखा। और भरपूर तरीके से वो मतलब यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये देखें जी। बीच में कॉल आ रही है, थोड़ा सा वीडियो ब्लर होगी, इसके लिए माजरत खाऊं। और ये एक और दो दरख्त यहाँ पे गिरे हुए हैं, ये बिल्कुल बस यहाँ पे बाल बाल बची है। माल आ रही है जी, बहुत सुनो पे दी है जी। 1900 लोग एक दफा वीडियो को कर दे शेयर, तो काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी और ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाएगा। ये देख सकते हैं जी, रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है रास्ता खुलने का। ये जनाब मरी है कुलडना, इस जगह को बोलते हैं, और मरी का जंगल है ये। और ये एक भाई
गाड़ी के ऊपर अपना कार्ड छोड़ के गए ताकि वो अपनी गाड़ी की शिनाख्त कर सकें जब वो वापस आए। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मशीन्स सनी बैंक के अंदर तीन लगी हुई थी जो रोड को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद एक मशीन यहाँ पे कुलडन्ना के जंगल में लगी हुई थी। तो वो मशीन जहाँ पे लास्ट टाइम लगी हुई थी कुलडन्ना के जंगल में, वहाँ से आगे आने के कोई चांसेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि रोड के दोनों तरफ में गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ हटेंगी तो उसके बाद ही कुछ चांसेस हैं मशीन के आगे जाने के और रोड क्लियर होने के। तो हुकूमत पाकिस्तान से लोग भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ नज़रसानी की जाए, क्योंकि 17 अमवात हो चुकी हैं। आर्मी के एक दोस्त ने बताया और 3-4 बंदों से भी कंफर्म हुआ है। सलाम। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि भाई अपने घरों में रहें और महफूज रहें, और मरी का रुख फ़िलहाल आप लोग ना ही करें तो बेहतर है। 2-4 दिन के बाद ये बर्फ़ इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी और रोड क्लियर हो जाएंगे, फिर आप मरी का रुख करें अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, खैरियत से? कहाँ से आए प्यारे भाई? मरदान से। मरदान से आए? अच्छा माशाल्लाह। और कब आए थे आप? कल आए थे। कल आए थे? नाम क्या भाई का? जुहेब। जुहेब भाई, तो कितने लोग थे आप भाई? 5-6 आदमी। 5-6, कौन सी गाड़ी है आपकी? ये वाली। ये गाड़ी है आपकी? और जेंट्स ही थे या लेडीज भी थी? एक लेडीज थी हमारे साथ। अच्छा, वो चली गई है? ओ, खाना खाने गई, अभी आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे आने का कोई मकसद फिलहाल नहीं है? ठीक है, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ और भी जितने लोग मुझे मिले हैं, मैं उनसे ये बता रहा हूँ, यहाँ पे लोकल लोग हैं वो आगे दरिया गली जगह का नाम है रत्ती गली, ठीक है, वहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे हीटर लगा हुआ है, वो लोग आपको मतलब हसबे तौफीक जो भी चीज़ उनके पास है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, कावा हो, चाय हो, या जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो उसके अलावा आर्मी के लोग हैं, उनका कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वेट करने का मकसद कोई बनता नहीं है? नहीं, हम जा रहे हैं बस, फैमिली आ जाए बस, या गाड़ी लॉक करें, फिलहाल कोई चांस नहीं है रोड खुलने के, ठीक है। सामान जो कीमती पड़ा हुआ है अपने साथ लें, और या तो आर्मी कैंप में चले जाएं या फिर आप मस्जिद में चले जाएं, ठीक है। और रात को इधर गाड़ी में गुजारी है? जगह नहीं है होटल में, जाहिर बात है होटल फिर सारे बुक हुए हैं। और खाना मतलब खाने वगैरह का क्या हुआ? खाना नहीं खाया रात का, खाना नहीं खाया, इसी तरह है, कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं। तो अभी यहाँ पे आप गाड़ी लॉक करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे जाएं या पीछे चले जाएं? फैमिली आ रही है, उधर जाएंगे। तो आप फैमिली को उधर ही बोलें कि आप उधर रुक जाएं, आप उधर चले नहीं, जाएं। हमारे दो बंदे इधर है, तीन उधर है, तो इस वजह से वो कह रहे इधर आ जाओ, हम इधर जा रहे हैं। चले सारे एक साइड पे चले जाएं और खाना वगैरह खाएं, क्योंकि 17 हम बात इससे पहले हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेएहतियाती ना करना और एहतियात से काम लीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन हम तकरीबन रत्ती गली के करीब पहुंच चुके हैं, और अब गाड़ियों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है, और पहले इससे पीछे जैसे कि हमने देखा था कि रोड के दोनों साइड्स ब्लॉक थी, दोनों साइड्स पे गाड़ियां थी, और अब एक ही साइड ब्लॉक हुई है। यहां से आगे मशीन जा सकती है, रास्ता क्लियर हो सकता है, लेकिन
रत्ती गली से लेकर कुलडन्ना के करीब तक कोई चांस नहीं है कि मशीन वहां से आगे आ सके, क्योंकि रोड बुरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है और गाड़ी गाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपको देख आप देख सकते हैं कि आर्मी के भाई यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हुए और बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं और फैमिलीज की हेल्प करते हुए माशाल्लाह से। ये अपने मदताब के तहत लोग यहाँ से कुछ लाहौरी भाई हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो फैमिलीज हैं उनके लिए मसला और प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने का ना मिलना और बच्चों की फीडर्स का प्रॉब्लम होता है। ये तकरीबन हम जी रत्ती गली के पास पहुंच चुके हैं और आप गाड़ियां यहां से मतलब गाड़ियां जो थी वो ये लास्ट गाड़ी मुझे अभी नज़र आ रही है जो फंसी हुई है, और कुलडन्ना से लेकर रत्ती गली के थोड़ा पीछे तक, रत्ती गली कह लें आप, वहां तक रोड बिल्कुल जाम है, कोई चांसेस नहीं है मशीन के आगे आने के। मशीन जाहिर बात आएगी लेकिन टाइम लगेगा। टू पॉइंट थ्री के लोग हमें देख रहे हैं जी, आपसे गुजारिश कि एक एक बार वीडियो को अगर कर दें शेयर और लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाएगा कि आप इस वक्त जहां भी हैं खुश रहें और बर्फ़ को देखने की कोशिश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हालात यहाँ पर बड़े ख़राब हैं और 16 से 19 संवाद हो चुकी हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जो मुझे आर्मी के एक भाई थे उन्होंने बताया, 4 से 5 लोग तमाम जो सॉरी दोस्त जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं आपको खुश आमदीद कहते हैं, और ये यहाँ के लोकल लोग हैं और सिग्नल्स का यहाँ पे इशू हो रहा है, आप वीडियो ब्लर होगी। और बर्फ 3 से 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है, और फिर से बताता चलूँ आपको कि 17 से 19 या 18 अमवात हो चुकी हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, 5 से 6 डेड बॉडीज़ जो कि आर्मी के लोग और रेस्क्यू के लोग ले के जा रहे थे सनी बैंक की तरफ, वो मैंने खुद देखे। अब मेरी अपनी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है सर्दी की वजह से और हाथ भी जवाब देते जा रहे हैं। और यहाँ पे लोकल जो लोग हैं दरिया गली के, रत्ती गली के, यूसी दरिया गली के, वो इन तमाम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इनको रत्ती गली उस्मानिया मस्जिद में शिफ्ट कर रहे हैं और इनसे अपील कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को लॉक करें और आप रत्ती गली की तरफ रुख करें, जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो आर्मी के लोग लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, 1122 के लोग और आर्मी के, और सनी बैंक सॉरी कुलडन्ना कैंप है आर्मी का, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको खाना मेडिसन और जो भी सहूलियात अवेलेबल हैं आर्मी के पास वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्दी लग जाएगी तो फिर अब गाड़ी में हीटर पे गाड़ी भी तो खड़ी कर दी, हीटर भी नहीं आ सकता। सलाम अलैकुम सर जी, कैसे
खरीत से। आप कहाँ से आए? गुजरावाला से। गुजरावाला से जी। और रात कहाँ पे गुजारी आपने? गाड़ी में। गाड़ी में। और खाना वगैरह खा लिया? चलें शुक्रिया। ये अंकल थे बात, मेरे ख्याल में उनको ठंड लग रही है तो ज़्यादा जल्दी में थे। सत्रह मील टूल प्लाजा से आगे मैं फैज़ाबाद से लोकल ट्रांसपोर्ट से आया हूँ और सत्रह मील टूल प्लाजा के ऊपर वहाँ पे बिल्कुल कोई गाड़ी आगे नहीं आने दे रहे थे, तो वहाँ पे लोगों को वापस भेज रहे हैं, आर्मी के लोग, पुलिस, रेंजर्स। और मैं वहाँ से आगे टूल प्लाजे को क्रॉस किया, पैदल चल के आया तो आगे एक दो गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वहाँ से आगे मरी तक, बसरा गली तक रोड खुला था, वहाँ तक पहुँचा। बसरा गली से आगे मैं पैदल ही अभी तक चल रहा हूँ। और फिर से बताता चलूँ कि रात बर्फ़बारी की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से 19 संवाद हो चुकी हैं आर्मी के मुताबिक, और जो यहाँ पे लोकल लोग मौजूद थे उनके मुताबिक, रेस्क्यू वालों के मुताबिक। ये देखिए जी, आर्मी के दो नौजवान इस वक्त लोगों की हेल्प कर रहे हैं और गाड़ियों के ग्लासेस से बर्फ़ हटा के चेक कर रहे हैं कि लोग ज़िंदा भी हैं या फौत भी हैं। सलाम अलैकुम। सलाम। ये देखें जी, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ये गाड़ी फंसी हुई है और कितनी बर्फ़ हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बर्फ़ भी बढ़ती जा रही है और तकरीबन 3 फुट के करीब बर्फ़बारी है हुई है। और ये दरख्त, यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द वो एक्शन लें और इमरजेंसी तो नाफिज हो चुकी है लेकिन सिर्फ लोगों को रोका जा रहा है या लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, और लोग, उनकी फैमिलीज बुरी तरह से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं है और गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हीटर नहीं है, ठंड की वजह से बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ रो रहे हैं। ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बर्फ़बारी से निकल रहे हैं, अपना सामान, अपनी गाड़ियाँ छोड़ के वापस जा रहे हैं और किसी तरह ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। और मज़ीद ये लोग 2 से 4 घंटे आगे चलेंगे तो बसरा गली से आगे रावलपिंडी की गाड़ियाँ जा रही हैं, सनी बैंक और चिटा मोड़, इस एरिए में फ़िलहाल गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो मुझे दीजिए जी इजाज़त क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी ठंडे हो गए और
इंशाल्लाह फिर से दोबारा से लाइव आऊँगा। ये यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ कि आर्मी के लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और माशाल्लाह जी अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। आर्मी के लोग और ये लोकल भाई गली से ताल्लुक है, ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये माँ जी काफी उम्र की हैं। भाई पीछे कोई कुर्सी वाला आ रहा है? हाँ वो जा गया बंदा जी, वो अभी जा रहा था, मैं रास्ते में मिला, जल्दी कर। ये देखें जी दरख्त ही रहो है और रोड इसने पूरी तरह से ब्लॉक कर दी है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ पे अपील करूँगा और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे कहूँगा वीडियो को शेयर करें कि यहाँ पे हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा और इकदाम करने होंगे, अमली कार्रवाई करनी होगी, तब जाके ये मसला सुलझेगा। लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं और उनके पास कोई चांसेस नहीं है यहाँ से निकलने के, खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं है उनके पास। और फिर से बताता चलूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 17 से 18 लोग रात बर्फ़बारी में उनकी डेथ हुई है। तो आप मुझे दीजिए जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।